साथियों, मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं, बहनों, बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। आज हर बहन बेटी को साफ साफ लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। उन्होंने देखा है कि बीते 10 वर्षों में भाजपा ने उन तक टॉयलेट, बिजली, गैस, नल से जल, बैंक में खाते, ऐसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कितनी ईमानदारी से काम किया। आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी घर परिवार में, समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है। नारी शक्ति का विकास बीजेपी के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है और इसलिए इन चुनावों में महिलाओं ने, बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजपा के विजय की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।